हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग द सेंटेंस का स्टडी करेंगे। द सेंटेंस, द सेंटेंस का स्टडी करेंगे, यानी हमें यह जानना है कि सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। मुख्य रूप से हम यह जानना है। तो जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो शब्दों का प्रयोग करते हैं और शब्दों को समूह में प्रयोग करते हैं, अतः स्पष्ट और भावपूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह को सेंटेंस कहा जाता है। ठीक, या शॉर्ट में आप कह सकते हैं, शब्दों का वह समूह जिससे स्पष्ट और भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में भी कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, a group of words which makes complete sense is called sentence। देखिए, a group of words शब्दों का वह समूह विच मेक्स कंप्लीट सेंस जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यह डेफिनेशन जो है पीसी रेन ने लिखा है, एक बहुत बड़े ग्रामरियन हैं पीसी रेन, उन्होंने लिखा है डेफिनेशन। पीसी रेन, यह पीसी रेन का डेफिनेशन है। ठीक है, तो सेंटेंस किसे कहते हैं यह आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, अब मैं बताने चल रहा हूँ कि सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस मैं बता रहा हूँ। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जानिए, सेंटेंस अर्थ के अनुसार मुख्य रूप से पांच होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये मुख्य रूप से पांच सेंटेंस होते हैं। चलिए देखिए, पहला असर्टिव, पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विधि सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस विधि सूचक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस
प्रश्नवाचक वाक्य है। तीसरा देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य या विस्मय बोधक वाक्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस विस्मय बोधक वाक्य। इच्छा बोधक। देखिए इच्छा बोधक वाक्य। तो इस तरह से आपने देख लिया कि सेंटेंस मुख्य रूप से पांच होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब मैं इन सभी के बारे में डिटेल में बताता हूँ कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक, तो चलिए सर्वप्रथम मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। देखिए असर्टिव सेंटेंस चलिए असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जैसा कि असर्टिव सेंटेंस को विधि सूचक वाक्य कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, किसे कहते हैं? सर्वप्रथम हमें यह जानना है। तो असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं जानिए, वह वाक्य जो किसी कार्य या घटना के होने या न होने की सूचना देता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। क्लियर, वह सेंटेंस जो किसी कार्य या घटना के होने या न होने की सूचना देता है ऐसे वाक्य को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम गोइंग सी इज नॉट प्लेइंग। आई एम गोइंग सी इज नॉट प्लेइंग यह सूचना दे रहा है कि मैं खेल रहा हूं, वह नहीं जा रहा है, वह नहीं खेल रहा है, लाइक दिस। तो असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा, फिर से सुन लीजिए। वह वाक्य जो किसी कार्य या घटना के होने या न होने की सूचना देता है ऐसे वाक्य को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। और असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक जो सूचना देता है और दूसरा जो सूचना नहीं देता है। जो सूचना देता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें ए है, अफर्मेटिव सेंटेंस
अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, जो सूचना देता है। स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य कैसे कहते हैं? वह वाक्य जो किसी कार्य या घटना के होने की सूचना देता है। वह वाक्य जो किसी कार्य या घटना के होने की सूचना देता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे शी प्लेज ही इज गोइंग They have completed their work। चौथा देखिए, गौर देख लेते हैं। It has been raining। Since morning। देखिए assertive sentence miss, बताया हमने आपको affirmative negative, affirmative miss स्वीकारात्मक वाक्य, अर्थात ऐसा वाक्य जो किसी कार्य या घटना के होने की सूचना देता है उसे affirmative sentence कहते हैं। She plays, वह खेलती है, सूचना मिल रहा है कि वह काम करती है, खेलती है। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, यानी किसी कार्य के होने का भाव स्पष्ट हो रहा है, किसी कार्य के या घटना के होने की सूचना दी जा रही है, इसलिए यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए इसी तरह से नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य अर्थात ऐसा वाक्य जो किसी कार्य या घटना के न होने के बारे में जानकारी दे। ठीक है, वह वाक्य जो किसी कार्य या घटना के न होने की सूचना देते हैं ऐसे वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे सी डज नॉट डांस, सी डज नॉट डांस, वह नृत्य नहीं करती है, नेगेटिव हो गया, नकारात्मक सेंस दे रहा है। शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। देखिए यहां नॉट आ गया, किसी काम के न होने की सूचना देता है। ठीक है, हीज स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है। फोर्थ देखिए, ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग मैन। फोर्थ The boys are not playing। देखिए यह नेगेटिव सेंटेंस हो गया। She does not dance, नेगेटिव।
वह नृत्य नहीं करती है, काम के न होने की सूचना दी जा रही है कि काम नहीं हो रहा है। सी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग मैन, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग। ठीक, तो इस तरह से आपने असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव देखा। चलिए अब मैं आपको इंट्रोगेटिव बताने चल रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए। तो इस तरह से जो है आपने असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव को देख लिया। चलिए अब मैं आपको इंट्रोगेटिव बताता हूँ। नंबर टू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का भाव स्पष्ट होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। फिर से देखिए, जिन वाक्यों में प्रश्नों को पूछने का भाव स्पष्ट होता है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव स्पष्ट होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। बस ये दो बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का भाव स्पष्ट होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, और ऐसे वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक, जैसे मे आई टेक योर पेन, देखिए क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। नेक्स्ट, डज राधा हेट यू, क्या राधा आपसे नफरत करती है, क्या राधा आपसे घृणा करती है। व्हाट आर यू डूइंग देयर, आप वहां क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग देयर, आप वहां क्या कर रहे हैं। एक और देखते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। देखिए इन सभी वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और सभी से प्रश्न पूछा जा रहा है। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। डज राधा हेट यू, क्या राधा आपसे नफरत करती है। व्हाट आर यू डूइंग देयर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। देखिए यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा। चलिए अब मैं इसके बाद आपको इम्परेटिव सेंटेंस बताता हूँ। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, यानी जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना अथवा उपदेश का भाव प्रकट होता है वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, एक बार और सुनिए।
जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना अथवा उपदेश का भाव प्रकट होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक, चलिए इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। एक बात और भी जान लीजिए इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में कि इसमें जो इसका सब्जेक्ट यू होता है वह अंडरस्टूड होता है, वह लिखा नहीं जाता है। और इम्परेटिव सेंटेंस सामान्यतया मेन वर्ब से शुरू होता है। ठीक, जैसे देखिए कम हेयर, यहां आओ, छोटे छोटे वाक्य होते हैं, यहां आओ, ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। देखिए ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, मेरे लिए एक कप चाय लाओ। ठीक है, या ओ बी योर पेरेंट्स, ओ बी योर पेरेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं जैसे बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए। प्लीज हेल्प मी, देखिए ये सभी के सभी इम्परेटिव सेंटेंस हैं। देखिए ये हेल्प मी से शुरू हुआ है, यदि प्लीज या काइंडली रहता है तो उसे वाक्य पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। प्लीज हेल्प मी या हेल्प मी प्लीज ऐसे कर सकते हैं। तो यह आपका इम्परेटिव सेंटेंस रहा। इम्परेटिव सेंटेंस का आपने एग्जाम्पल देख लिया। चलिए अब इसके बाद मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताता हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य, ठीक है। विस्मय बोधक वाक्य क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, यह हमें जानना है। तो ध्यान से सुनिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। जिस वाक्य से आश्चर्य, दया, भय, दुख, घृणा, करुणा, हर्ष आदि का भाव प्रकट होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। एक बार और सुन लीजिए, जिस वाक्य से आश्चर्य, दया, भय, दुख, घृणा, करुणा, हर्ष आदि का भाव प्रकट होता है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, देखिए हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। ध्यान दीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई इंटरजेक्शन, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में
कोई इंटरजेक्शन का प्रयोग किया गया है तो इंटरजेक्शन के तुरंत बाद साइन अप एक्सक्लेमेशन लगता है और उसके बाद वाले वाक्य में फुल स्टॉप या जो भी कंडीशन है का प्रयोग होता है। ठीक है, हाउ ब्यूटिफुल द रेनबो इज। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट अ लेजी मैन श्याम इज। व्हाट अ लेजी मैन श्याम इज। व्हाट अ लेजी मैन श्याम इज। श्याम कितना सुस्त आदमी है। ठीक है, देखिए आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डर्टी द डॉग इज। हाउ डर्टी द डॉग इज। कुत्ता कितना गंदा है। हट घृणा प्रकट की जा रही है। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। वॉन द मैच। देखिए हुर्रे यह इंटरजेक्शन है और इंटरजेक्शन के तुरंत बाद हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया और फिर इसमें लास्ट में नहीं लगेगा क्योंकि जो लास्ट है यह असर्टिव सेंटेंस है। ठीक, तो देखिए यह आपका जो हुर्रे है यह इंटरजेक्शन है, इसके तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग गया। नेक्स्ट देखते हैं, आहा ऑल ऑफ अस हैव पॉज्ड। है पॉज्ड। देखिए यहाँ पर भी यह इंटरजेक्शन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग गया है। ऑल ऑफ अस हैव पॉज्ड, हम सभी लोग पास हो गए हैं। यहाँ पर क्या है, खुशी मनाई जा रही है, खुशियाँ दिखाई जा रही हैं। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपने देख लिया। चलिए अब इसके बाद मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक वाक्य। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिस वाक्य से इच्छा कामना आशीर्वाद अभिशाप आदि प्रकट होता है। जिस वाक्य से इच्छा कामना आशीर्वाद अभिशाप आदि प्रकट होता है ऐसे वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्लियर, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में भी हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं और सामान्यतया ऐसे वाक्य में से प्रारंभ होते हैं, एम ए वाई में से प्रारंभ होते हैं। ठीक, जैसे मे माई मदर लिव लॉन्ग। मे माई मदर लिव लॉन्ग। मे माई मदर लिव लॉन्ग। देखिए इच्छा व्यक्त की जा रही है, इच्छा प्रकट की जा रही है और मे से यह स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, मे यू सक्सीड इन लाइफ।
मे यू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में आप सफल हों, इसमें क्या है, आशीर्वाद दिया गया है, आशीर्वाद। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मे आर्यन गो टू हेवन, तो इस तरह से आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लिया। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं जान लिया, ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं देख लिया, बस यह आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल हैं। इस तरह से सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने होते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके।